नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सांप्रदायिक हिंसा को हम एक तय फ्रेम में देखने लगे हैं। नतीजा ये होता है कि हम नई घटना को भी पहले हो चुकी घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि ऐसी हर घटना में बहस के जितने भी पहलू हैं वो लगभग फिक्स हो चुके हैं। कौन सा सवाल होगा, कौन सा जवाब आएगा, कौन सा पक्ष होगा, इसलिए भी हम या आप सांप्रदायिक हिंसा की खबरों को लेकर सामान्य हो गए हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि धीरे धीरे इन सामान्य सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की संख्या सैकड़ों से अब हजारों में होने लगी है। जरूर दंगे जैसी बड़ी घटनाएं कम हो रही हैं, हालांकि कई जगहों पर बड़ी संख्या में दुकानें जली हैं, लोग घायल हुए हैं, घर जले हैं, मगर हजारों की संख्या में होने वाली सांप्रदायिक घटनाओं की प्रकृति मामूली झगड़े की नजर आती है, जिनसे बवाल होता है, फिर स्थानीय इलाके में तरह तरह की बहस होती है। हिंदू ऐसे होते हैं, मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं कि बातें चलती हैं। हमें वाकई चिंता करनी चाहिए कि हम कब तक अपने सामाजिक ताने बाने को इस तरह कमजोर करते रहेंगे। इस राजनीति से सत्ता मिल सकती है, लेकिन यह भी तो पूछिए कि उस सत्ता से क्या आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको? क्या आपको पड़ोस में झगड़ा चाहिए? अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने उत्तर प्रदेश में हो रही सांप्रदायिक घटनाओं के पुलिस रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। एक महीना लगाकर अपू एस्थोस सुरेश ने, जो एडिटर हैं स्पेशल असाइनमेंट के, उन्होंने तमाम रिकॉर्ड की छानबीन की है और इसे 17-18 अक्टूबर के दिन एक लंबी रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया है। तीसरा हिस्सा 19 अक्टूबर को भी छपेगा। अपू ने बताया कि 31 जुलाई 2014 के आसपास उत्तर प्रदेश के एक नहीं बल्कि एक साथ 9 जिलों में आसपास सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती हैं। आज से 2 साल पहले आज हम अप्पू से ही बात करेंगे, लेकिन उनकी रिपोर्ट की खास बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। 75 जिलों का रिकॉर्ड देखकर मैं भी चौंक गया। क्या हम इतने लाचार हो गए हैं कि इस तरह हजारों की संख्या में सांप्रदायिक घटना हो रही है और सब कुछ राजनीतिक दलों पर छोड़ दिया गया है, जिनकी दिलचस्पी इसका फायदा उठाने से ज्यादा नहीं है? समाज के भीतर से कब आवाज उठेगी? बहरहाल, अप्पू की रिसर्च बताती है कि यूपी में जनवरी 2010 से 16 के बीच सांप्रदायिक हिंसा की 12,000 घटनाएं दर्ज हुई हैं। साल के हिसाब से हर साल 2,000 सांप्रदायिक घटनाओं का यह आंकड़ा बैठता है। दिन के हिसाब से हर दिन 5 से भी अधिक सांप्रदायिक घटनाएं। सिर्फ एक दिन 2013 से 16 के बीच सिर्फ एक दिन है जिस दिन कोई सांप्रदायिक हिंसा की घटना दर्ज नहीं होती है, और वह है 25 दिसंबर 2014। साल 2016 में जनवरी से अप्रैल के बीच 1,262 सांप्रदायिक घटनाएं दर्ज हुई हैं उत्तर प्रदेश में। 2015 में 3,708 मामले दर्ज हुए और 2014 में 2,884, यानी कि बढ़ती जा रही है घटनाएं। सांप्रदायिक हिंसा की इन छिटपुट घटनाओं में लगातार वृद्धि क्यों हो रही है? 12,000 की संख्या सुनने के बाद भी क्या हमें इन घटनाओं को छिटपुट कहना चाहिए? अप्पू ने इन घटनाओं के लिए लो इंटेंसिटी कम्युनल शब्द का इस्तेमाल किया है अपने अपने अपनी रिपोर्ट में। स्थानीय स्तर पर ये तनाव होते हैं, दंगों में बदलने से पहले पुलिस काबू पा लेती है। ये आंकड़े बताते हैं कि सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, मगर शायद ये भी बता रहे हैं कि पुलिस काबू कर रही है, वरना इनमें से किसी के भी बड़े झगड़े में बदलने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। पर क्या पुलिस का काबू कर पाना ही काफी है? इन मामलों में जांच और मुकदमों के अंजाम की कहानी भी पुलिस की मुस्तैदी को सवालों के घेरे में ला सकती है। इसका यह भी मतलब है कि राजनीतिक एजेंसियां, जिसमें कई तरह के दल और संगठन आते हैं, सांप्रदायिक तनाव की इन घटनाओं को एक रणनीति के तहत अंजाम दे रही हैं क्या? लोग जब जानते हैं तो लोग बंट क्यों रहे हैं? अप्पू ने ग्राफिक्स के जरिए हिंदुस्तान टाइम्स में बताया है कि बीफ या गौ हत्या को लेकर होने वाली सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या किस तरह से यूपी में बढ़ती जा रही है। 2010 में इन कारणों से सिर्फ 133 मामले दर्ज होते हैं, जो 2014 में 458 हो जाते हैं। 2015 के 3,708 सांप्रदायिक घटनाओं में से 696 घटनाएं बीफ या गौ हत्या को लेकर होती हैं। उसी तरह से कब्रिस्तान को लेकर झगड़ा, मंदिर मस्जिद और धार्मिक आयोजनों की भी भूमिका होती है। अप्पू ने इन सबको धार्मिक असहिष्णुता, रिलीजियस इंटॉलरेंस के मद में जोड़ा है। 2010 में धार्मिक असहिष्णुता के कारण 592 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में से 98 घटनाएं होती हैं। 2014 में 2,884 घटनाएं होती, जिनमें से 715 धार्मिक असहिष्णुता के कारण होती हैं। 2015 में 3,708 घटनाएं होती हैं, इनमें से 905 घटनाएं धार्मिक असहिष्णुता के कारण होती हैं। अभी हमने बताया कि 2015 में यूपी में सांप्रदायिक हिंसा की 3,708 घटनाएं दर्ज हुई।
इनमें से 1600 दोनों को जोड़ दिया जाए तो घटनाएं भी बीफ या धार्मिक असहिष्णुता को लेकर हुई हैं, जिनका संबंध टेलीविजन चैनलों पर होने वाले बहस से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनका मकसद साफ है कि तनाव हो मगर बड़े स्तर पर दंगा ना भड़के। तनाव से होता यह है कि स्थानीय इलाके में गर्मा गर्म बहस होती है, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। बहस करते करते आप लोगों की सांप्रदायिक खेमेबंदी होने लगती है। रोटी, कपड़ा, नौकरी, महंगी फीस के सवाल को छोड़कर आप इन सवालों के आधार पर राजनीतिक पसंद बनाने लगते हैं। जबकि इन घटनाओं का कारण देखें तो सामान्य जनता से उम्मीद की जानी चाहिए कि वो अब इन पर हंसे और कहे कि हमें पता है कि ऐसा पिछले 70, 80, 90 साल से हो रहा है, मगर अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, हो रहा है उल्टा। अप्पू की तरह एक और पत्रकार है नासिरुद्दीन हैदर खान, उन्होंने youthkiawaz.com पर एक लेख लिखा है। अंग्रेजी और हिंदी के 13 समाचार पत्रों और वेबसाइट पर छपी सांप्रदायिक हिंसा की खबरों का संकलन करते हुए, जिन्हें हम छिटपुट हिंसा कहते हैं, इसी 11 से 15 अक्टूबर के बीच यूपी और बिहार में दुर्गा विसर्जन और ताजिए के जुलूस के दौरान टकराव की इतनी घटनाएं हुई हैं कि शायद आप चौंके भी नहीं, क्योंकि हम और आप अब सामान्य होने लगे हैं। नासिरुद्दीन ने लिखा है कि गोंडा में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान पथराव का आरोप लगा, तनाव बढ़ा तो ताजिया कमेटी ने ताजिया नहीं निकाली। इसके और कारण, मऊ में भी प्रतिमा विसर्जन ताजिया तोड़े जाने को लेकर तनाव हुआ, अलीगढ़ में कब्रिस्तान की जमीन पर रावण जलाने को लेकर तनाव हुआ, मुरादाबाद में बिल्लारी इलाके में मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने को लेकर तनाव हुआ, 13, 14, 15 अक्टूबर को गोंडा, मोतीगंज, बहराइच के फखरपुर में तनाव हुआ। बहराइच में कई जगहों पर ऐसी घटनाएं होती हैं। नासिर लिखते हैं कि महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, बलरामपुर, बरेली, सीतापुर, रायबरेली में भी जुलूस के रास्ते में, दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के जुलूस के रास्ते में या ताजिया निकालने के रास्ते में ये तनाव होता है। बिहार में तो चुनाव भी नहीं होने वाले इस वक्त, लेकिन वहां ये तनाव क्यों है? पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, यहीं के सुगौली में इस तरह का मामला हुआ, पश्चिम चंपारण के बेतिया के एक मोहल्ले में तनाव हुआ, गया, मधेपुरा, भोजपुर, पीरो, गोपालगंज, सीतामढ़ी से भी ऐसी खबरें आई हैं। साल और जगह बदल जाने के बाद भी तनाव के कारणों में गजब की समानता है। क्या वाकई हम इन कारणों को नहीं समझते हैं, या जो लोग संगठित तरीके से दोनों तरफ से इन मामलों को अंजाम देते हैं उन्हें लोगों पर पूरा भरोसा है कि लोग भड़केंगे? इन्हीं कारणों से लोग 1940 में भी भड़के थे, 1960 में भी भड़के, और इन्हें इतना भरोसा है कि 2016 में भी भड़क रहे हैं। क्या सब कुछ इतना फिक्स हो सकता है? हमारे आज के मेहमान पत्रकार साथी ने पिछले साल बिहार से एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। 2 महीने लगाकर अप्पू ने 38 जिलों के पुलिस रिकॉर्ड को देखा था। तब वे इंडियन एक्सप्रेस में थे और अब हिंदुस्तान टाइम्स में है। अप्पू ने उस रिपोर्ट में कहा था कि जून 2013 के चुनाव से पहले के महीनों तक बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़कर 667 हो जाती हैं। जून 2013 से 2010 से लेकर 13 के बीच ऐसी घटनाओं की संख्या 226 होती है, यानी 3 गुनी बढ़ जाती है। इन घटनाओं में एक पैटर्न यह भी दिख रहा है कि कई जगहों पर स्थानीय मीडिया इन्हें कवरेज नहीं देता है। राष्ट्रीय मीडिया तो अनदेखा करता ही है, जैसा कि बंगाल में इसे लेकर काफी बहस हो रही है और अनिरुद्ध घोषाल ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा भी है कि इसका लाभ उठाकर सांप्रदायिक गिरोह, राजनीतिक एजेंसियां अफवाह फैलाने में लग जाती हैं कि मीडिया किसी एक समुदाय का पक्ष ले रहा है। और कहीं कहीं ये भी सुनने को मिल रहा है कि एक रणनीति के तहत हो रहा है कि मीडिया को प्रभावित करके उन खबरों को ना छापा जाए जिसके जरिए व्हाट्सएप के जरिए अफवाह फैलाने में मदद मिले। अब देखना होगा कि मीडिया का यह फैसला स्वविवेक है, कवरेज ना करने का फैसला सांप्रदायिक रणनीति से मेल खाता है, ताकि इसका लाभ लोग उठा रहे हैं। कई जगहों पर अफवाह फैलाने में मीडिया की भी सीधी भूमिका आई है। आपको इंटरनेट पर इससे संबंधित बहुत सारे लेख मिलेंगे। प्राइम टाइम में आज हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम के अप्पू स्थोस सुरेश हैं, युवा पत्रकार हैं, केरल के कोचिन से हैं। आपकी हिंदी मेरे ख्याल से माशाल्लाह है, बहुत अच्छी है। और मैं थोड़ा सा चौंक गया अप्पू की 12,000 घटनाएं 6 साल में। ये आंकड़ों के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। ये 2005 के एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के सर्कुलर के हिसाब से जो भी सांप्रदायिक घटना है वो 3 तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक है बृहद सांप्रदायिक घटना जैसे आपके मुजफ्फरनगर, और दूसरा है सांप्रदायिक घटना जैसे बिजनौर में 1 महीने पहले हुआ था जब पे 3 लोग का मृत्यु भी हो गई। और तीसरे जो है, जो मैं अपनी स्टोरी में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये है सांप्रदायिक तनाव। ये सांप्रदायिक तनाव क्या होता है? सांप्रदायिक तनाव है ये हिस्सा का प्रभाव, हिस्सा का एक प्रदर्शन नहीं होते, लेकिन एक सांप्रदायिक भावना व्याप्त होते हैं। ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये पे यहाँ पे कोई मीडिया पहुँचते नहीं है, ये फिर अंडर द रडार चलते जाएगा और ये वहाँ पे एक तरफ के तनाव कंटिन्यूसली रहेगा।
तो इससे एक दो ये नया ट्रेंड जो है हम ये देख रहे हैं. आपने बताया, आपने जो आंकड़े यहाँ पे हमारे जो आंकड़े आप बता रहे थे, इसमें एक रिजॉइन ये देना है हमको कि 12,000 इंसिडेंट जो है इसके ज़्यादा के ज़्यादा 2013 जून से है. मतलब 10,000 के ऊपर घटना जो है ये 2013 से शुरू हुआ है. मतलब मैं ये भी पढ़ रहा था आपका ही ले कि 2010 से 2016 के बीच 12,000 सांप्रदायिक तनाव की घटना यूपी में रिकॉर्ड. लेकिन 2010 में बस इनमें से 10,000 2013 से 2016 के बीच में. ये 2013 क्या लैंड कट ऑफ डेट है क्या हर जगह? लगता है एक तरफ की कट ऑफ डेट है क्योंकि हमने पहले बिहार में भी ये ट्रेंड देखा है, क्योंकि वो 2014 का जो लोकसभा चुनाव के ठीक एक साल पहले एक तरफ हम ये कहा जा सकता है कि ये कोई कट ऑफ डेट है. अगर हम ये आंकड़े देखें तो 2010 में 590 के करीबन इंसिडेंट था और 2011 माने 2012 का यूपी इलेक्शन के ठीक एक साल पहले वो 390 के आसपास आ गए, और जो इलेक्शन ईयर है वो 2012 वहाँ पे बिल्कुल तीन गुना होके 1,000 हो गए. तो इसके मतलब है ये चुनाव से जुड़ा हुआ है. और आगे देखे जाए तो 2012 में एकदम थोड़ी सी बढ़ने शुरू हो गई, लेकिन 2013 से एकदम बढ़ने शुरू हो गया. और 14 में आपको एक लोकसभा चुनाव पड़ गया और उसके बाद 12 बाइपोल इलेक्शन आ गए, और उसके बाद 2015 में लोकल बॉडी इलेक्शन आ गए. एक चुनाव होने से और नंबर्स बनने से एक कनेक्शन हम देख रहे हैं इसमें. अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जिन स्थानीय तनाव की बात कही, ये कई बार होता है कि पुलिस कंट्रोल कर ली, हमने खबर में पढ़ा कि वहाँ जुलूस को ले जाने को लेकर तनाव हुआ, या लाउड स्पीकर को लेकर तनाव हुआ, या आजकल डीजे सुनाई देता है डीजे को लेकर तनाव हुआ. ये पुलिस के कंट्रोल करने के बाद खबरें आगे बढ़ जाती हैं और वहां समाप्त हो जाता है, रिश्ते फिर से सामान्य हो जाते हैं क्या? आपको मैं एक छोटे से हिस्सा भी बताता हूँ. हाँ. ये संभल का सिरोही गांव है. हाँ. संभल ये उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का संभल. वहाँ संभल बिजोई टाउन जो संभल के जो कैपिटल है वहां से 30 किलोमीटर जाए तो फिर मेन रोड से 10 किलोमीटर अंदर एक गांव है सिरोही. सो सिरोही में एक साल पहले वहां पे एक समुदाय अपने कब्रिस्तान में कोई ट्यूबलाइट को डेकोरेशन करने का आयोजना किया था, लेकिन दूसरे समुदाय ने मना कर दिया और दूसरे समुदाय ने उनका लाउड स्पीकर बंद किया गया. तो उसके बातों में लेके आपस में झगड़ा हो गई, थोड़ा पत्थरबाजी हो गई. ये एक साल पुराना बात हम बोल रहे हैं आपको, और हम अभी गए थे. पहले सवाल आप कुछ हुआ था? हाँ, उस टाइम में कुछ हुआ था, दोनों समुदाय के बीच में थोड़ा तनाव बढ़ा था, लेकिन अब सब ठीक है. और आप लेकिन अब थोड़ा उनसे आगे पूछताछ करें, लेकिन आपका लाउड स्पीकर तो बंद किया गया. हाँ, ये तो बिल्कुल बुरी बात है. तो एक तरफ से पुलिस ने ये छोटे मामला बड़े ना होने का काम किया, लेकिन जो इंटरनल जो दोनों समुदाय के बीच में एक भाईचारा पहले था वो खत्म हो गया, वो खत्म हो जाता है. खत्म मैं हो जाता एक और चीज जानना चाहता हूं कि इसी से संबंधित कि क्या लोग समझते नहीं है क्या कि ये वही पैटर्न है 1930 के दशक में, शायद उससे पहले गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर के ही इतने बड़े लेजेंडरी पत्रकार स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने लिखा है कि ये लाउड स्पीकर जब से आया है तब से ये सांप्रदायिक तनाव का कारण है. इसमें ये जो भी कारण अभी ये तनाव के पीछे है ये कोई नया एक ही है, सोशल मीडिया. इसके अलावा जो भी है और सोशल मीडिया पहले भी था एक अफवाह की तरफ, अफवाह अभी अभी ये सोशल मीडिया में आ गए, बस वही फर्क है. नहीं तो अगर देखे तो लव जिहाद ये 1920 के समय से है, ये आपके लाउड स्पीकर 1930 से है, और ये रिलीजियस जैसे दोनों समुदाय के प्रोसेशन निकालना ये बहुत पुराना हिस्सा है, इसमें कोई नई बात नहीं है. मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे बड़े स्तर पर जब सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होती हैं तो महानगरों में बहुत सक्रियता होने लगती है, लोग दोनों तरफ से बुद्धिजीवी लोग एक बहस हो जाती है, बहुत सारे लोग इसमें से ऐसे भी निकल आते हैं कि इस बहस को छोड़कर किसी एकता की बात करने लगते हैं. इन इलाकों में जहां आप देख रहे हैं ये 10,000 घटनाएं हैं, क्या ये शहरी इलाकों में हैं? क्या इस तरह से लोकल इंटेलिजेंसिया की पहल देखते हैं, राजनेताओं की पहल देखते हैं कि आओ हिंदू मुसलमान दोनों समुदायों को दोस्ती कराया जाए? एक नया ट्रेंड है. अगर आप 19 के 50 से बाद जितना भी बड़े दंगे हुए हैं ये सब स्टडी करें तो एक चीज साफ आते है, जितने भी दंगे हुए हिंदुस्तान में मुजफ्फरनगर के पहले ये सब ये टाउन में हुआ है, अर्बन इलाके में हुआ है. ये मुजफ्फरनगर ऐसे एक पहला घटना शायद होगा जहाँ पे रूरल में
फैल गया। इस तरफ ये सांप्रदायिक तनाव के जो इंसिडेंट्स है, हमने जो 12,000 की जो आंकड़े आपको दिया है, इसमें से ज्यादा के ज्यादा आज के डेट में ये गांव में होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये अमरोहा जो अमन की नगरी बोले जाते हैं, अमरोहा बिजनौर बिल्कुल पास में है, अमरोहा बिजनौर के रास्ते में एक जंगली इलाके से अगर आप 10-15 किलोमीटर चले जाओगे एक गांव है कलनपुर, वहां पे एक चामुंडा है और एक कब्रिस्तान है। इसका रेनोवेशन के बात को लेके थोड़ा कहा सुनी हो गई जब हम ये तो हो गया 3 महीने पहले, एक महीने पहले जब हम वहाँ चले गए थे वहाँ पे एक कंपनी पीएसी अभी भी शामिल है। तो ये एक खतरनाक ट्रेंड है दैट एक कम्युनल वायलेंस जो है रूरल की तरफ फैल जा रहा है। ये कभी किसी का कंट्रोल में नहीं रहेगा क्योंकि ये मैं काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर से बात किया हूँ जो 1960s 70s 80s में ये कम्युनल सिचुएशन को कंट्रोल किया है, राइट सिचुएशन को कंट्रोल किया है। इन लोगों के ये कहना है कि अर्बन पॉकेट्स में जब भी कोई सांप्रदायिक घटना हो गए ये कंट्रोल करना बड़ा आसान है, आप पिकेट लगा दो, फ्लैग मार्च करा दो, ये कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ये जब गांव में फैल जाती है कोई कुछ नहीं कर सकते क्योंकि किसी ने आके यहाँ से गोली चला के खेत में चले गई, अब कहाँ जाके ढूंढेगा क्योंकि ये बिल्कुल खुला खुला है और लोग सबको जानते हैं और किसका घर कहाँ पे है ये भी जानते हैं, तो एक तरफ ये बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। ये सबसे बड़ा जो भी आपने अपने रिसर्च के दौरान देखा क्या ये दो एक कोई एक ही समुदाय है जो एग्रेसिव है, इनिशिएटर है, जो शुरू करता है, आक्रामक है, या दोनों तरफ है? ये दोनों तरफ से होते हैं और अब देखो इसमें क्लियर पैटर्न्स है। जैसे आप मैं एक तो इलेक्शन के सामने जैसे इलेक्शन सामने आते हैं उसी टाइम से बढ़ने जाते, और जो दूसरी है हमने ये देखा ये जहाँ ये यूपी बिहार और असम तीन जगह के इसी टाइम फ्रेम का केसेस हमने स्टडी किया है, इसमें से एक छोड़ो ये आसाम तो थोड़ा अलग हिस्सा होगा क्योंकि वो कल्चरली डिफरेंट है, यूपी और बिहार की बात करते हैं। यूपी और बिहार में जहाँ जहाँ इंसिडेंट हुआ है और सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंट हुआ है वो वहीं पे हुआ है जहाँ पे एक एक पर्टिकुलर समुदाय की कंसोलिडेशन से चुनाव जीत सकते हैं। जैसे आप यूपी में भी यही हाल है, बिहार में भी यही हाल है, सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स वहीं पे जहाँ पे एक समुदाय की कंसोलिडेशन से चुनाव जीत सकते हैं। कारण जो है आप जिन कारणों की बात कर रहे हैं ये फिक्स हैं, बिहार में भी सारे रिपोर्ट को पढ़ के कि कब्रिस्तान को लेकर झगड़ा है या दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है या मुहर्रम का ताजिए का जुलूस निकल रहा है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे यूपी में आपने जो देखा है क्या ये कारण दोनों यूपी के दोनों हिस्सों में एक तरह से, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं कारणों से हो रहा है और जिन कारणों से पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वेस्टर्न यूपी में? अच्छा ओके, सबसे ज्यादा वहीं पे। और इन 10,000 जो कह रहे हैं 2013 से हुआ है उनमें से भी ज्यादातर घटनाएं वेस्टर्न यूपी में, 6,000 के ऊपर जो घटना है वो वेस्टर्न यूपी में, और सबसे कम जो है बुंदेलखंड इलाका में। लेकिन काफी ज्यादा जिला ऐसे है जहाँ पे पहले घटना बहुत कम थी और लेकिन अब बढ़ गया। जैसे आपने बहराइच की बात की, बहराइच 2010 में 4 या 5 इंसिडेंट था और आज के डेट में वो 200 के ऊपर है। पीलीभीत वहाँ पे 3 हिस्सा था, 2010 में 3 है, अभी 2015 में 350 की 3 से 350 मतलब इसी स्केल पे बढ़ गया। ये तराई रीजन जो है वो पहले इस तरफ की सांप्रदायिक घटना कभी देखा नहीं है, वहाँ पे फैल रहे जहाँ जहाँ ये पहले नहीं था। जैसे अमरोहा, अमरोहा लोग बोलते हैं अमन की नगरी है, वहाँ पे भी हो रहा है। पर कोई पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ खड़ा हो, जो इस प्रवृत्ति के खिलाफ हो, लोगों को भी ये बात समझ में आए कि ये लाउडस्पीकर कब्रिस्तान की दीवार से उनके रोजगार रोजमर्रा की जिंदगी के सवाल कम जुड़े हुए हैं और नेता चूंकि वो अपना परफॉर्मेंस बता नहीं पाते कि हमने नौकरी के मामले में क्या किया, हमने महंगाई के बारे में क्या किया, हमने स्कूल के बारे में क्या किया, तो इस तरह के मुद्दों में भटकाकर उनको वोट बैंक बना रहे हैं। अब ये किसको बताया जाए, तो सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा पॉलिटिकल फॉर्मेशन नहीं है जो इन प्रवृत्तियों के खिलाफ हो, जो दोनों कम समुदाय के लोग इस कंसोलिडेशन का गोलबंदी का फायदा उठा रहे हैं उसके खिलाफ हो। तो ये जो मेरा जो एनालिसिस है मैं इसको लेके जो प्रताप भानु मेहता वेल नोन पॉलिटिकल कमेंटेटर प्रताप साहब से बात किया था, वो प्रताप भानु मेहता ने बहुत गहरी बात बोला। इस तरफ के तनाव, ये छोटे तनाव बढ़ने से दो फायदा है। एक जो है एक सेक्युलर एक्सिस कोई भी पार्टी कभी ले नहीं सकता,
क्योंकि अगर लेने से इनके जो ग्रास रूट के जो अगर आपके तनाव सबसे ग्रास रूट में है, आपकी वर्कर भी ग्रास रूट से निकल के आते हैं, जो आपकी ज्यादा ये तनाव जब ग्रास रूट में फैल जाते हैं, आप कैसे कोई ये तनाव के बिना अपने एक स्टैंड लेगा। तो हमने भी ये देखा है कि काफी टाइम पे पिछले अभी भी और पहले भी जब भी हमने इस तरफ की स्टोरीज किया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका मुद्दा को लेते नहीं है, क्योंकि वो लेने से इसको एक डर है, हमको ये बोला जाएगा एक समुदाय के साथ है। हर साल 2000 घटनाएं हैं, 2013 के नहीं, हर साल ज्यादा हो गया ना, 2013 मतलब मैं एक औसत निकाला आपका टोटल, 2000 आप जो बोल रहे हैं वो 2010 और 11 के जुल के मिला के, लेकिन ये 2013 से सबसे ज्यादा हुआ है कि हर दिन यूपी में 5 से ज्यादा सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होती हैं। हमने बोला आपको लाइक ये जून 2013 से अप्रैल 30 2016 के तक बस एक ही दिन रह गया जब कोई 25 दिसंबर 2014 के दिन नहीं हुआ, बाकी तो उस दिन को याद किया जाना चाहिए। हालांकि वो 25 दिसंबर 2015 के दिन वो कुछ रिकॉर्ड हुआ, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इन आंकड़ों की छानबीन के लिए कहां कहां गए, मतलब कितनी मेहनत की आपने, और पुलिस के बर्ताव में आपने क्या बदलाव देखा। इन संख्याओं से लगता है और कई जगह सुनने को मिलता है कि पुलिस में भी एक तरह से कम्युनलाइजेशन हुआ, क्या ये बात सही है? नहीं, मैं बिल्कुल ये मानते नहीं हूँ। हाँ। दो चीज काफी ज़रा हमने जो जितने भी पुलिस अफसर से बात किया है, ये सब लोगों ने एक बात हमको स्पष्ट किया, वो है अगर SHO और दरोगा जी अगर ये चाहते वहाँ कुछ होना नहीं है, कुछ होगा नहीं, तो इनका मैं खास दौर में बहुत बिहार और यूपी में ये देखा है पुलिस का रिस्पांस टाइम बहुत अच्छे है, वो इसी रिस्पांस टाइम से ये मामला बढ़ने जाते हैं। तो अगर रिस्पांस टाइम कम हो गया, मतलब जहाँ जैसे कोई और जगह में कोई क्राइम के बारे में फोन किया होता लेकिन एक घंटा लगते हैं, दो घंटा लगते हैं, लेकिन जहाँ पे भी इस तरह की सांप्रदायिक घटना जो रिपोर्ट हो जाती है तुरंत पुलिस वहां पहुंच जाती है। इसका मतलब ये बड़ी बात है कि आप 10,000-12,000 घटनाओं को आप कंट्रोल करते हैं पुलिस, लेकिन ये कंट्रोल बस फिजिकल वायलेंस से बचाने के लिए, जो साइकोलॉजिकल गेम हो रहा है उसको लेकर पुलिस का कोई रोल हो भी नहीं सकता, वो ज्यादातर क्या कर सकती है। पर अप्पू, आपकी इस रिपोर्ट से एक तो बहुत अच्छी तरीके से आपने इन बातों पर राजनेता बात नहीं करते, तो ऐसा लगता है कि किसी प्लानिंग के तहत अंदर अंदर गांव में इन सब चीजों को किया जा रहा था कि मीडिया नोटिस ना करे, लगता है, क्योंकि हमने बोला आपको जैसे जितना भी रिकॉर्ड्स हमने एग्जामिन किया है, इसके सबसे ज्यादा हुआ है अभी रूरल एरिया में, जहां अभी कभी कहा सुनी कभी हुआ ही नहीं। आपको मैं एक अच्छा हिस्सा सुनाता हूँ, ये 14 जून एक केती विरान नाम के एक गांव है, ये आप मुजफ्फरनगर दंगा जहाँ से शुरू हो गए जोली कनाल, वहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पे, उसी टाइम पे भी यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। वो जो गांव है बिल्कुल आधे मोहम्मदन समुदाय की और दूसरा दूसरे मतलब हिंदू समाज की, वहाँ पे एक आदमी ऐसा आज भी जिंदा है जो पाकिस्तान वो बंटवारे के टाइम पे पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन एक गाँव के जो हिंदू जाके उसको वापस लेके आ गए, लेकिन पहले हमको गोली लगेगी फिर आपको लग जाएगी। वही उसी गांव में और वहाँ पे जो मस्जिद है वो हिंदू ने दिया है और वहाँ की जो मंदिर के जो जमीन है वो इसी आदमी ने दिया है। वो मैं उसी आदमी से बात कर रहा था उसी टाइम, और इसको ये कहना है ये इनका जो उसी समय बंटवारे के टाइम से लेके 2014 तक कभी इस तरह की कोई घटना हुई नहीं, और एक हुआ था दो इसी घटना जो हुआ कि लाउडस्पीकर का तार उतारा गया लेकिन कोई शराबी ने किया, लेकिन ठीक एक घंटे के अंदर बाकी जो गांव है आसपास की वहां से लोग इकट्ठा हो गए, यहाँ पे हमने सुना लाउडस्पीकर का तार उतारा गया, तो एक अफवाह फैल जाती है उसके ठीक बाद और लोग सक्रिय हो जाते, लोग सक्रिय हो जाते, लोग सक्रिय होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन सक्रिय होते हैं, ये इसके सबसे आपने बहुत खास सवाल मुझसे पूछा, लेकिन समय हमारा समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा मैं बता दीजिए इसका जवाब। ये कि इसका कोई एक अनजान व्यक्तियों से किया जाता है, और अनजान व्यक्ति जो वेस्टर्न यूपी में भी है, ईस्टर्न यूपी में, तराई में भी है, बिहार में, और उस अनजान व्यक्ति का तरह तरह के से भी रिलेशन, तो ठीक है आपने ना कहते हुए भी बाकी बातें कह दी। पर अप्पू इस्तोस सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस तफ्तीश के लिए कि जिससे एक तस्वीर सामने आती है, भयावह तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के लोगों को समझना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, अपने गांव में सामाजिक ताने बाने को खराब कर रहे हैं, इसके बदले उनको मिला क्या था,
जो 10 साल पहले के जो दंगे जहां हुए होंगे उनसे जाकर बात कीजिए कि क्या ऐसे तनाव करने से कुछ फ़ायदा हुआ था, फिर अपना भी असेसमेंट कीजिए, कुछ तो दिमाग लगाइए कि ये हम सब के हक में नहीं है। वही दलीलें वही कारण। कब तक चलेंगे ब्रेक के बाद? थैंक यू आपका। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे और दो अलग अलग रिपोर्ट की।